नमस्कार, मैं हूं हरिंद नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। मैं सुबह सुबह आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज ये संगम स्थल पर खड़ा हूं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, मेरे पीछे ये संगम स्थल है और इस संगम स्थल पर आप देख सकते हैं कि माँ अलकनंदा और माँ मंदाकिनी का यहाँ पर संगम होता है। ये बृहद संगम है और सामने आप जो देख सकते हैं ये नारद शिला है। नारद शिला के ऊपर से ठीक ऊपर माँ चामुंडा का मंदिर है, उसके ऊपर नारद मुनि का जो स्वयंभू यहाँ पे नारद शिला है वो यहाँ पे स्थापित है और इसी स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग, और जिसे हम पंचप्रयागों में एक संगम कहते हैं, रुद्रप्रयाग संगम। और आप देख सकते हैं कि आज मई का 24 तारीख हो चुकी है और जिस तरह से लगातार ऐसे लगता है कि जैसे सर्दियों का मौसम हो या बरसात का मौसम है, ठीक मौसम चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और आसमान में बादल लगे हुए हैं और लगातार कुछ दिनों से मौसम, जब से भगवान केदारनाथ के कपाट खुले हैं तब से लगातार मौसम बदला हुआ है और लगातार बारिशें शाम के समय तो ज़्यादातर बारिशें होती रहती हैं और उस बारिश के कारण अब हिमालय में जो ग्लेशियर हैं ऊपर से वो पिघलने शुरू हो गए, क्योंकि गर्मियों के दिन है, मई का महीना है, तो निश्चित तौर पे नदियों का जलस्तर इसलिए बढ़ा हुई है क्योंकि एक तो लगातार बारिश हो रही है, दूसरी ऊपर से जो बारिश होने के साथ साथ ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, जो बर्फ़ पिघल रही है उससे जो नदी का जो पहले जो हरा कलर हुआ करता था वो अब बदल सा गया है, क्योंकि अब मिट्टी जैसा पानी आना शुरू हो गया है और लगातार बारिश भी हो रही है, तो इससे निश्चित तौर पे जो पानी का रंग है वो बदल चुका है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जो पानी है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संगम स्थल पर लोग ध्यान स्नान करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग इस स्थान पे पुण्य की प्राप्ति होती है, जो भी स्नान पुण्य करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, तो दूर दूर से आजकल चार धाम यात्रा चल रही है तो लोग स्नान ध्यान करने के लिए संगम पे आते हैं। अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग स्नान करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और संगम स्थल पे जहाँ पे नारद शिला है, अलकनंदा और मंदाकिनी का यहाँ पे दो नदियों का संगम है। और इन तस्वीरों में आप स्पष्ट देख सकते हैं ये सुंदर सा नज़ारा माँ गंगा अलकनंदा का और माँ मंदाकिनी का, और इसके पीछे संगम स्थल और रुद्रप्रयाग का नज़ारा इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। आगे के वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से दूसरा वीडियो की संगम का और उसके साथ आने वाली जो भी गतिविधियां हैं उनको हम आपको दिखाते रहेंगे।